नेहरू युवा केन्द्र दार्जिलिङको आयोजनामा विभिन्न आदिवासी जनजाति समूहलाई लिएर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम दिशा हलमा सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर वारोबर, द अल्टिमेट क्लोथिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ, ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ 10th mile musk house kalimpong north bengal ko afno electronic retail chain dpmi siliguri india's leading paramedical institute capital university jorthang south sikkim admission open for the session 2024-25 कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन मेघालय सरकारको सहयोग रहेको थियो। कार्यक्रममा राज्य निर्देशक अशोक शाह, अतिरिक्त निर्देशक देवकुमार चटर्जी, मेघालयबाट देनकु पार आई खार्जना घन्चु आर मारक अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। मेघालयबाट दुईवटा समूहले आदिवासी नृत्य गीत प्रस्तुत गरेका थिए भने कालेबुङका समूहहरूले नेपाली गीत नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। विशेष गरेर केन्द्रीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत नेहरू युवा केन्द्रले युवा वर्गको खेलकुद सांस्कृतिक सामाजिक शैक्षिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। यता कालेबुङ जिल्लामा विभिन्न संस्थालाई कार्यक्रमहरू दिएर यस दिशामा काम गरिरहेको छ। अर्कोतिर केवल स्थानीय रूपमा मात्र नभएर यो केन्द्रको माध्यमले विभिन्न जाति जनजाति माझ सांस्कृतिक आदान प्रदान गरिने अभियान चलाइरहेको छ। यसरी अभियान अन्तर्गत मेघालयका समूहहरू आवासीय कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेको र त्यसले आदिवासी जनजाति पनि देशको मूलधारमा समावेश गराउने मूल उद्देश्य रहेको निर्देशक अशोक शाहले बताएका छन्। यहाँ पे कालिम्पोंग में हमारा मेघालय गवर्नमेंट का एक नेशनल यूथ एक्सपोजर प्रोग्राम का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम में मेघालय का जितना आदिवासी उपजाति खासी गारो जो ट्राइब्स हैं उनके यूथ यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ये लोग कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारा दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का जो यूथ है इनका साथ मिलके ये लोग एक कार्यक्रम बना रहा है। ये जो कार्यक्रम है इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो डिफरेंट ट्राइब है हमारा देश का उनको देश का जो मूल स्रोत है उनका साथ मिलाना है और इनको कभी भी विच्छिन्नता महसूस करने नहीं देना है। इनको समझाना है कि ये भी हमारा देश का ही नागरिक है, हमारा देश का ही हिस्सा है। इसी संदर्भ में हम लोग मेघालय से ये जो दो आदिवासी ग्रुप है इनको हम लोग यहाँ पर बुलाए हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है। आने वाला 4 तारीख तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। इसी साथ यहाँ पर मेघालय से 42 यूथ्स है और 40 यूथ्स है हमारा दार्जिलिंग में और गैंगटॉक में भी आया है 40 यूथ्स। सो इट्स ए नेशनल लेवल प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट ऑफ मेघालय इज ऑर्गेनाइजिंग दीज प्रोग्राम्स फॉर द ट्राइबल यूथ ऑफ मेघालय।